हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एसएससी जीडी हिंदी इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इसके चैप्टर मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में। आपको बता दें, इस चैप्टर से दो क्वेश्चन आपको मिनिमम मिलेंगे। पिछले साल जो क्वेश्चन पेपर आया था उसमें हम लोगों ने जितने भी सेट का एनालिसिस किया था सब में दो क्वेश्चन पूछे गए थे और हम लोगों के प्रैक्टिस सेट से ही लगभग 17 से 18 क्वेश्चन हिंदी में फंसे थे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप एसएससी जीडी का एग्जाम देने वाले हैं, आपको नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आप पीडीएफ डाउनलोड कर लें टेलीग्राम से, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपको करना क्या है, केवल खाना खाते समय इन वीडियोस को देखते जाएं, जिससे आप आसानी से अच्छे अंक प्राप्त कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके साथ आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आपको ये भी बताना है। तो पहला क्वेश्चन है पानी का बुलबुला होना। ये आपका जो है एसएससी जीडी 2021 की शिफ्ट 1 में आया था। आपको पानी का बुलबुला होना मुहावरे का अर्थ बताना है। क्या होता है, भयभीत होना, क्षणभंगुर होना, हर्षित होना या फिर दुखी होना, इन चार ऑप्शन में से क्या है आप कमेंट बॉक्स में बताएं। देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। इसके बाद अगला है खून का घूंट पीना। इस मुहावरे का आपको जो है सही अर्थ बताना है। ये भी आपका एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शंस है अत्यंत क्रोधित होना, भयभीत होना, घृणा करना या फिर गुस्सा पचा जाना। तो खून का घूंट पीना मतलब पूरा गुस्सा जो है पचा जाना, लोग बोलते हैं मैं बस खून का घूंट पी के रह गया हूं। तो ऑप्शन डी आपका सही है। अधिक क्रोधित होना नहीं होगा, ना भयभीत होना होगा, ना घृणा करना। ये आप कंफ्यूज मत होइएगा, इतना सिमिलर एग्जांपल दे देते हैं कि कंफ्यूज जरूर हो जाए। अगला है कथा के बैंगन। कथा के बैंगन मतलब मनगढ़ंत बातें, असंभव वस्तु, कृपण व्यक्ति या फिर दूसरों के लिए उपदेश। कथा के बैंगन होना मतलब दूसरों का उपदेश देना, जहां मिल गए अपनी कथा शुरू कर देते हैं। जैसे कि मिलते ही उपदेश देना शुरू कर दे कोई, वो कथा का बैंगन होता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है इसमें। अगला क्वेश्चन है आपे में आना। क्या होगा इसका मुहावरा, होश में आना, काबू में ना रहना, बेहोश हो जाना या फिर बहुत गुस्से में आना। तो आपे में आना मतलब होश में आना, लोग बोलते हैं आपे में आओ मतलब होश में आ जाओ, आपे में आ जाओ। तो ऑप्शन ए आपका जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांटों पर लौटना। इस मुहावरे का अर्थ बताना है क्या है, संकट में डालना, बाधा दूर होना, बेचैन होना या फिर अड़चने पैदा करना। तो कांटों पर लौटना मतलब बेचैन होना, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है पांव उखड़ना। पांव उखड़ना मुहावरे का आपको सही अर्थ बताना है। क्या होगा, हार कर भाग जाना, आत्मसमर्पण करना, घायल होना या फिर गिर पड़ना। तो पांव उखड़ना क्या होता है, हार कर भाग जाना। सेनाएं जो है युद्ध में जब हार जाती है तो क्या पांव उखड़ना, उनके पांव उखड़ जाते हैं मतलब भाग जाते हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही है। आत्मसमर्पण नहीं होगा, ना घायल होना होगा, ना गिर पड़ना होगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है चटनी हो जाना। इसका आपको जो है सही मुहावरा बताना है कि बहुत जल्दी खर्च हो जाना, बर्बाद हो जाना, कुचल जाना या फिर पिस जाना। तो चटनी हो जाना मतलब बहुत जल्दी खर्च हो जाना, चटनी जो है जल्दी खा जाते हैं या फिर खर्च हो जाती है। इसमें एक ऑप्शन है पिस जाना, पिस जाना नहीं होगा, पिस जाना मतलब महीन होता है, एकदम बारीक हो जाना। अगला है आदर और निरादर करना। इस मुहावरे का अर्थ बताना है। क्या होगा, पान पर नहीं खिलाना, पान फूल सा, पान पत्ते तक सीमित होना या फिर पान फूल पर रहना। तो आदर और निरादर करना क्या होता है, इसके लिए पान पर नहीं खिलाना ऑप्शन सही होगा। पान पर नहीं, आदर करने के लिए सम्मान में लोग पान खिलाते हैं, कुछ जगह शादियों में रिवाज है पान खिलाने का, वो सम्मान में, तो यहाँ वहीं से ये लिया गया है। अगला है हाथ मलना मुहावरे का आपको जो है अर्थ बताना है। तो हाथ मलने मुहावरा मतलब पछताना या फिर संकल्प करना, वीरता दिखाना या व्यायाम करना। तो पछताना होता है, जब आप लोग पढ़ाई नहीं करते तो आखिरी में जो है हाथ मलते रह जाते हैं, यही ऑप्शन बचेगा, व्यायाम तो करना नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है छठी का दूध याद आना। इस मुहावरे का आपको अर्थ बताना है। तो इसमें क्या है, अतीत पर गौरवान्वित होना, संकट के समय पिछले दुख की याद आना, संकट के समय पिछले सुख की याद आना या फिर अत्यंत प्रसन्न होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुक्का पानी बंद करना। इसका आपको जो है संकट के समय पिछले सुख की याद आना, कि पहले तो बढ़िया था, इस बार जो है औकात याद आ गई। तो ऑप्शन सी सही होगा, यह दुख की याद आना नहीं होगा, सुख की याद आना होगा। यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, एसएससी ने जो है सी ऑप्शन सही माना है। अगला क्वेश्चन है हुक्का पानी बंद करना। ऑप्शन है जाति से निकालना, चकित करना, हुक्का पीना या डर जाना। तो जाति से निकालते हैं, एक हरियाणा साइड में हुक्का पानी बंद कर देते थे लोगों का, मतलब जाति से बाहर कर देना, ऑप्शन ए सही है। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन बखिया उघेड़ना। बखिया उघेड़ना मुहावरे का आपको सही अर्थ बताना है। क्या होता है, कठिन कार्य करना, भेद खोलना, प्रशंसा करना या फिर अत्यधिक क्रोध होना। बखिया उखेड़ना, लोग बोलते भी हैं कि तुम्हारी बखिया उखेड़ देंगे मतलब भेद खोल देंगे, तुम्हारे बारे में सारे भेद जो है खोल दिए जाएंगे। तो बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट है आंख दिखाना। आंख दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, विमुख होना, होश आना, गुस्सा प्रकट करना या फिर निगरानी करना। तो गुस्सा प्रकट करना, आंख दिखाते हैं, माँ बाप अपने बच्चों को आंख दिखा के शांत कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं लंगोटी में फाक खेलना। लड़ने को
तैयार होना, काम खराब कर देना, दरिद्रता में आनंद लूटना या फिर दुख सहते रहना। तो लंगोटी में फॉक खेलना मतलब दरिद्रता में आनंद लूटना होता है, सी ऑप्शन सही है। मतलब गरीब है तो क्या हुआ, मौत से जिएंगे, ये वाला जो एटीट्यूड है इसको बोलते हैं लंगोटी में फॉक खेलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है चादर से बाहर पैर पसारना, ठंड के समय चादर ओढ़ना, व्यय से आय अधिक करना मतलब खर्चे से ज्यादा कमाना, या फिर बिना परिश्रम से पैसे कमाना, या फिर आय से अधिक व्यय करना। तो यही होगा चादर से बाहर पैर पसारना, मतलब डी ऑप्शन, कमाई से ज्यादा खर्च करना, आय से अधिक व्यय करना। अगला है कूच कर जाना, मुहावरे का आपको सही अर्थ बताना है, वापस आना, आक्रमण करना, हार मान लेना या फिर मर जाना। तो कूच कर जाना मतलब यहाँ पर इसका ऑप्शन डी सही है, मर जाना। कूच कर जाना का सही अर्थ है मर जाना, या फिर इसको चल देना भी बोल सकते हो, चल देना। अगला क्वेश्चन है गागर में सागर भरना का आपको जो है मुहावरा बताना है, थोड़े पैसे से बहुत कुछ खरीद लेना, छोटे बर्तन में ज्यादा चीज रखना, थोड़ी जगह में बहुत सामान जमाना, या फिर थोड़े में बहुत कुछ कहना। आपको गागर में सागर भरना का मुहावरा बताना है, सही मुहावरा क्या होगा उपयुक्त। तो डी ऑप्शन सही है, सबसे सटीक डी रहेगा, थोड़े में बहुत कुछ कहना मतलब गागर में सागर भरना। यहाँ पर सारे ऑप्शन लगभग मिलते जुलते हैं, जैसे कि छोटे बर्तन में ज्यादा चीज रखना, लेकिन ये यहाँ पर सबसे उपयुक्त नहीं है। यहाँ पर लिखा गया है उपयुक्त मुहावरे का चयन करें। इसके बाद बात करते हैं भेड़ बना लेना का, आपको मुहावरा बताना है, वश में कर लेना, दीवार में चुनना, घोर विपत्ति आना, या फिर मन में जगह बना लेना। तो भेड़ बना लेना मतलब अपने वश में कर लेना, ऑप्शन ए सही है। इसको गुलाम बना लेना भी बोलते हैं, अगर गुलाम बना लेना बोले तो यही ऑप्शन है, तो वश में कर लेना। अब आता है चारपाई पकड़ना, चारपाई पकड़ने का आपको जो है मुहावरा बताना क्या होगा, निश्चित हो जाना, दुख देना, बीमार होना या फिर उत्तेजित होना। तो चारपाई पकड़ना मतलब जब कोई बीमार हो जाता है तो चारपाई पकड़ता है, सी ऑप्शन आपका सही है। दुख देना और उत्तेजित होना निश्चित हो जाना नहीं होगा। इसके बाद है मुंह में ठेपी देना, इस मुहावरे का अर्थ कौन सा है, तो बोलने की हिम्मत ना होना, कुछ ना बोलने देना, खूब बदनाम करना और दीनता प्रकट करना। मुंह में ठेपी देना इस मुहावरे का अर्थ आपको बताना है, तो मुंह में ठेपी देना मतलब कुछ ना बोलने देना, बी ऑप्शन आपका सही होगा, कि बोलने नहीं दिया, जैसे तुम बोलने चले कोई और टोक दे रहा है, जैसे आप बोलने चले और कोई टोक दे रहा है तो उसको बोलते हैं मुंह पे ठेपी देना। अगला है हथेली पर सरसों उगाना, ऑप्शंस हैं खेती करना, असंभव काम को संभव करना, लड़ाई करना या फिर भाग जाना, चार ऑप्शंस हैं। तो हथेली पे सरसों उगाना मतलब असंभव काम को संभव कर देना, मतलब हथेली पे सरसों उगाना होगा, बी ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है, तो फूल झड़ना आपको इसका चयन करना है, का मुहावरा क्या है, प्रिय वचन बोलना, पतझड़ होना, सुंदर लगना या फिर हल्की बातें बोलना। तो फूल झड़ना मतलब प्रिय वचन बोलना, जैसे बोलते हैं उसके मुंह से फूल झड़ते हैं, ए ऑप्शन आपका सही है। अगला है पौबारा होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है, बहुत नुकसान होना, घमंड करना, खूब लाभ होना या फिर आश्चर्यचकित होना, चार ऑप्शंस हैं। तो पौबारा होना मतलब खूब लाभ होना होगा, सी ऑप्शन आपका सही है, इसकी तो पौबारा है या फिर इसकी निकल पड़ी। इसके बाद आता है हवा से बातें करना, मुहावरे का आपको अर्थ बताना है, तो हवा से बातें करना क्या होता है, ऊंचा उड़ान, पक्षियों की भाषा समझना, अकेले रहना या फिर तेज गति से चलना। तो तेज गति से जब आप बाइक चलाते हैं तेज गति से हवा से बातें करते हुए, तो उसे बोलते हैं हवा से बातें करना, डी ऑप्शन आपका सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, भागीरथ श्रम करना क्या होता है, अथक प्रयास करना, कठिन श्रम करना, दृढ़ प्रतिज्ञा करना या फिर असंभव कार्य करना। तो भागीरथ श्रम होता है अथक प्रयत्न करना, खूब ज्यादा प्रयत्न करना, इसको जो है भागीरथ के कामों से कंपेयर कर दिया गया, तो अथक प्रयत्न करना, ए ऑप्शन आपका सही है। तो ये थे SSC GD के इम्पोर्टेंट मुहावरे, आप इसकी PDF डाउनलोड कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और ये वीडियो देखने के लिए, मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।